फिर देखते क्या रिएक्शन आते हैं। हाय, आज का वीडियो ना हम थोड़ा अलग करने वाले हैं, फोन कॉल प्रैंक कर रहे हैं। आज हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले, आज हम करने जा रहे हैं प्रैंक। मेरा एक दोस्त है, उसे कॉल करूंगी मैं, देखते हैं। चलो। हेलो हेलो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम योर कॉलेज। यू मस्ट बी अवेयर दैट इन योर कॉलेज वन कमिटी इज देयर, आर यू, दैट इफ योर फैकल्टी कंप्लेंट्स अबाउट यू टू अस, वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। तो आपको पता है ये बात, मुझे आपके फैकल्टी मेंबर ने कंप्लेंट की है आपके अगेंस्ट, तो इसीलिए मैंने आपको आज कॉल किया है। पहली, मुझे एक फैकल्टी से नहीं, बहुत सारे फैकल्टी से मुझे कंप्लेंट आई है कि आपका अटेंडेंस बहुत लो है। सेकंड थिंग, कैमरा ऑन करने के लिए बोलते हैं फिर भी आप कैमरा ऑन नहीं करते, तो क्या आप इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे? मुझे आपके फैकल्टी से कंप्लेंट मिली है कि आपकी अटेंडेंस बहुत लो है, और दूसरी बात, आपका अटेंडेंस तो लो है मगर जब भी आप प्रेजेंट होते हैं आप कैमरा भी ऑन नहीं करते, टीचर बोलते हैं ऑन करो फिर भी नहीं करते, तो आप कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहोगे? तो आप कैमरा क्यों ऑन नहीं करते? आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। ठीक है, मत दीजिए। फिर एक बात बताइए, आप क्या, मैं ये भी कंप्लेंट है आपके अगेंस्ट कि आप लेक्चर ऑन करके कहीं चले जाते हो, क्योंकि जब आपका नाम पुकारा जाता है आप आते नहीं हो वहां पर, सो इज इट ट्रू? आई थिंक यू आर वेल अवेयर कि मैं आपके कॉलेज से ही बात कर रही हूँ, और आप इस तरह से आंसर दे रहे हो, मैं आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हूँ। वॉट एक्शन आपको लेना है तो कुछ रिटर्न में भेज दीजिए मेरे। एक काम कीजिए, आप कल आपको मैसेज भी मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा, आप कॉलेज आ जाइए और कल से आप कॉलेज में ही लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दीजिए। आपको आपको करूँ या ना करूँ ये बोला नहीं गया है, आपको पहले भी एडमिशन लेते समय बताया था कि 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, हमें और भी 2-3 लोग हैं जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है। आपको पता है, आप इस तरह से आंसर दे रहे हो, या तो आपको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर आपको रस्टिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप फैकल्टी से बात कर रहे हो, आपके किसी दोस्त से नहीं। व्हाट डिड यू से? एक ही मिनट, हमारे सर आए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो, हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? तू कैसे भाई उड़ा रहा? हेलो,
हेलो फ्रॉम योर कॉलेज, यू मस्ट बी अवेयर दैट इन योर कॉलेज देर इज अ कंप्लेंट फैकल्टी. वी हैव गॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टी. सो द कंप्लेंट इज दैट योर अटेंडेंस इज वेरी लो, यू डोंट जॉइन द लेक्चर. वाई, कैन आई गेट द रीजन? Well, actually, I got the call. Even I'm trying to. Actually, before I didn't wasn't joining well, but this is I'm joining. Okay, so are you well now? Yes, I'm well. Okay, and the second thing, midterm exams were going. Even at that time, you didn't join. You didn't give the exams. Mama, I gave yesterday, but today I didn't give. Okay, but you didn't join the lecture. The meet, because we have recordings of all, but you are not present anywhere. I think you are well aware that 70% attendance is compulsory, and even you have to on the camera during the exam. Well, ma'am, today I didn't write exam. But I think the exams were going from last 2 days. Am I right? Yesterday I did attend the meeting. Why didn't you attend the meeting? I like there are actually 2 exams, ma'am. I did in the first and in the second I didn't because of internet issue. In morning I did 2 o'clock exam. I did, ma'am. Okay. Wait a minute. Let me check whether you were there in first meeting or not. Just 2 seconds, huh? Just check, Mr. Karthik. From FIBAGA first year. Was he there? No, you are not present in the meeting. I was there, ma'am. Yesterday 2 o'clock. Indian, I think Indian economy lecture was there, right? Indian economy lecture was day before yesterday, ma'am. Yesterday was aptitude test. Okay, aptitude, you was there, but what about Indian economy? Then history. Okay, so you didn't attend the exam. No, yesterday I did. Okay, so now you tell me, what action should we take against you for this? Because we have the recordings as well as your attendance is also very less. So are you telling us what should we are? No, ma'am. Don't take any measures. I will surely attend from tomorrow. Every lecture attend. Okay, but I'm well right now, so I won't miss any lectures. Okay, but I think you must be not. You must be well from last 1 year, right? This is the end of year now, but we have checked your attendance from last 6 months. You was unwell from last 6 months? No, ma'am. From last 6 months, I was present for most of the lectures, ma'am. Only in the past 2 weeks, past 1 month, I was. No, but your attendance has not completed 70% also. No, ma'am. I don't know why I got less percentage, but I attend like 90% of the lectures in the past all the month except for the last 1 month. The first time, second trimester, I was present for all 90% of the time, more than 90, 95% of the time, I was there in the first 2 trimesters. In the third trimester, in the beginning also I was there, but in the last 1 month I wasn't. It's only in the last 1 month, but from the beginning of the year, I was most of the time I was there. Okay. I don't know. Sometimes I also check, ma'am, in my. In my account of MIT, sometimes I see only 70 and 80, but I don't remember not attending few lectures. But maybe I have missed one or two, but it shows like I did not attend 30% of the time. You want to say that the data which we have got is wrong? I don't know, but for the last, it's only in the past 1 month, 6 months, you know, I don't think so.
सो आर योर पेरेंट्स देयर अराउंड यू? कैन वी स्पीक विथ योर पेरेंट्स? Okay, so this is your first and last warning, because if we get any another complaint against you again, then strict action will be taken against you, okay? Okay. 2 hours later. अरे कंप्लेंट फैकल्टी का कॉल आया था कि नहीं? हाँ आया, क्यों? कैसे कैसे बोल रहे थे? तेरे को कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, तू बता तो सही, कैसे बोल रहे थे? Hold on, किस कौन बताया तेरे को? अरे तू बता ना। I think ईश्वर मैम ने बात करी थी। हाँ। वॉइस उसकी जैसी ही था। I think वॉइस तुम्हारी जैसी था।